आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोज़ेज़ नाज़रीन, एक बार फिर इस्लामिक इन्फो एंड हेल्थ में आप सबका खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अस्माउल हुस्ना के ऊपर ये हमारी 45 नंबर की वीडियो है और इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे अल मुजीब पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं और इसके क्या क्या वज़ाइफ हम कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं 44 वीडियोस बना चुका हूं। अगर मतलूबा फ़ायदा जो आप हासिल करना चाहते हैं और आपको इसमें नहीं मिलता तो आप पीछे की वीडियोस जाके देख सकते हैं और साथ ही साथ उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक दिन में सारी वीडियोस देखना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप रोज़ाना एक एक दो दो करके इन सारों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। जो कोई कसरत से ये इसम पढ़ा करे इंशाल्लाह इसकी दुआएं बारगाही इलाही में कबूल होने लगेंगी। जो इस इसम मुबारक को अपने पास लिखकर रखेगा अल्लाह ताला की अमान में रहेगा और कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। जो कोई दर्द सर के लिए 3 बार ये इसम मुबारक पढ़कर दम कर देगा इंशाल्लाह दर्द सर दूर हो जाएगा। जो इस इसम को तलुए आफ्ताब के वक्त 55 बार पढ़ने का मामूल बनाएगा इंशाल्लाह मुस्तजाबुल दवात होगा। तो दोस्तों, अल मुजीब पढ़ने के 4 ही फ़ायदे थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।